दोस्तों वो सम्मा सट्ठा जंक्शन से निकल रहे हैं और आप देख रहे हैं कि मौसम कितना ज़्यादा ज़बरदस्त हो रहा है और हल्की हल्की जो है वो बारिश भी शुरू हो गई। फरीद एक्सप्रेस के कोचेज नज़र आ रहे हैं आपको, 37 अब से उतरे हैं और अब ये 38 डाउन का इंतज़ार कर रहे हैं। जिन डिपार्चर हॉर्न भी हो गया तो चलिए दोस्तों चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज है 22 जनवरी 2022 और सुबह के इस टाइम 10:45 बज रहे हैं और मैं रहीम यार खान अपने होम टाउन स्टेशन के ऊपर मौजूद हूं। वन अप खैबर मेल का इंतज़ार कर रहा हूं मैं, सादकाबाद से निकली है और 11:13 पर रहीम यार खान रेलवे स्टेशन पर अप्रोच करेगी। 2.5 घंटे लेट चल रही है आज, राइट टाइम इसका 8:30 बजे का रहीम यार खान पहुँचने का, आज ये 11:13 पर आ रही है। बारिश दोस्तों आप देख सकते हैं, बारिश होके हटी है, पानी नज़र आ रहा है आपको और हल्के हल्के ऊपर बादल आए हुए हैं, लेकिन अब धूप निकलनी शुरू हो गई है तो देखते हैं आगे जाके रास्ते में हमें बारिश मिलती है या कोई हमारे कोई अच्छा मौसम मिलता है या नहीं। तो चलिए दोस्तों इंतज़ार करते हैं, फिर वन अप का आपको अराइवल दिखाते हैं। सामने आपको पैसेंजर्स नज़र आ रहे हैं, वन अप खैबर मेल के लिए वेट कर रहे हैं प्लेटफॉर्म्स पर। 11:02 हो रहे हैं और वन अप खैबर मेल अप्रोच कर रही है रहीम यार खान रेलवे स्टेशन पे। AG30 लीड पे है हमेशा की तरह। लीड कर रहा है। अंदाजा चेक करो, सामने आके रुका है। तो आज मेरा कोच नंबर 5 बिल्कुल सामने आके रुका है अंदाजे के मुताबिक और बड़ी खुशी होती है जब ऐसे हो जाए। तो दोस्तों 11:10 हो रहे हैं और अपना 5 मिनट का स्टॉप करने के बाद निकल रही है रहीम यार खान रेलवे स्टेशन से वन अप खैबर मेल।
फिर रहीम यार खान शहर से निकल रही है वन अप खैबर मेल। अपकमिंग स्टेशन है वो खानपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन है। तो 11:50 हो रहे हैं और खानपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे पहुंच रही है वन अप खैबर मेल। खानपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के ऊपर अप्रोच की है वन अप खैबर मेल और यहाँ पे भी काफ़ी बारिश हुई लगती है और ये आप देख सकते हैं। ये आप दोस्तों खानपुर जंक्शन की मेन बिल्डिंग देख सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पे आके ये रेलवे स्टेशन भी कवर करेंगे। दोस्तों 10 मिनट का स्टॉप किया, अब निकल रहे हैं खानपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। कितने बेटा? एक ही दे दे। Thank you.
क्वेश्चन है कोई शायद, क्वेश्चन है ट्रैक्स पे। जट्टा बुट्टा रेलवे स्टेशन पे स्टॉप किया है अभी वन ऑफ खैबर मेल ने किसी क्वेश्चन की वजह से। आहिस्ता आहिस्ता चल ही रही है। एक बज के 20 मिनट पे डेरा नवाब साहब रेलवे स्टेशन पे पहुंच गया वन ऑफ खैबर मेल, और मौसम काफ़ी ज़बरदस्त हो रहा है, किसी भी पल अब्र रहमत जो है वो बरस सकती है। देखते हैं क्या पता हमें बारिश मिल ही जाए आज। बड़े ही खूबसूरत दोपहर देखने को मिल रही है डेरा नवाब साहब रेलवे स्टेशन पे। Yeah.
जमा सट्ठा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे अप्रोच बना रही है वन अप खैबर मेल, और अभी फ्रेट यार्ड से पास हो रहे हैं जमा सट्ठा जंक्शन रेलवे स्टेशन से। डाउन शालीमार एक्सप्रेस क्रॉस कर रही है सम्मा सट्ठा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। पूरे 2 बजे सम्मा सट्ठा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे अप्रोच किया फ्रंटियर मेल यानी कि वन अप खैबर मेल। और जो मेरा कोच था वो प्लेटफॉर्म से बाहर आया था, तो इस वक्त अभी मैं प्लेटफॉर्म पे इंटर हुआ हूँ। फरीद एक्सप्रेस के कोचेज नज़र आ रहे हैं आपको, 37 अब से उतरे हैं और अब ये 38 डाउन का इंतज़ार कर रहे हैं, जिनमें ये अभी अटैच होंगे और वापस कराची तक जाएंगे। दोस्तों पूरे 2:15 बजे भावलपुर रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए हम वन अप खैबर मेल के साथ, और मौसम देखें कितना ज़बरदस्त हो रहा है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है वक्फे वक्फे से। दोस्तों अभी मैंने हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक और प्रिंस लिया और डिपार्चर हॉर्न भी हो गया, तो चलिए दोस्तों चलते हैं।
2:40 पे डिपार्ट कर रही है वन ऑफ खैबर में लोधरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से, और अपकमिंग स्टेशन इसका शुजाबाद रेलवे स्टेशन होगा और फिर मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन जो कि हमारी मंजिल है। अभी तक 2:33 लेट चल रही है अपने टाइम से, लेकिन सही सफ़र जारी रखे हुए है ये। लोधरा से खानेवाल वाली गॉर्ड लाइन भी नज़र आ रही है सामने, डाइवर्ट हो रही है बजरिया जहानिया कुतबपुर से होती है खानेवाल पे कनेक्ट होती है। दोस्तों 4:10 पे मुल्तान कंट रेलवे स्टेशन पे अप्रोच कर रही है वन ऑफ खैबर मेल, सामने 127 अब मेहर एक्सप्रेस के रेक्स की भी शंटिंग हो रही है। तो ओवरऑल 5 का सफ़र था हमारा, तो काफ़ी लेट हो गया आज। दोस्तों ओवरऑल 5 का जर्नी था हमारा और काफ़ी लेट हो गया, लेकिन मौसम की वजह से सफ़र को काफ़ी इंजॉय किया। तो अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, और जाने से पहले इतना कह दूंगा कि आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया मेरे 1K सब्सक्राइबर्स में। उम्मीद है आप सब आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे। तो अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं आपसे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।